किलो से ज़्यादा होगा कि दोस्तों इससे लगा देते हैं ऐसे चोरी से कबाब करके मछली। तो मेरे लिए खाना लेके आ रहा है तो यही पे मछली, कल में मछली कोई कोई लोग यहाँ पे खाना खाता है, मैं भी यहाँ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मछली। इन लोग आज मालामाल होने वाला है, मछलियाँ है तो इसे आज इन लोगों को तो वो यही पे रखा है। देखो तो देखिए, ये पास गया, दो किलो। तो बारिश दे रहा है, उठा दिया, 1 किलो होगा दोस्तों। बांध के नाव में टांग के रखेंगे तो सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिक्स करके ला के लिया होगा। हाँ, मिल चुका है दोस्तों एक मछली। तो गैस गुड मॉर्निंग, सुबह। तो एक्चुअली आज तो सुबह नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अभी 9 o'clock हो चुका है। तो अभी लेकर मेरा जो ब्लॉग है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मौसम को देखिए दोस्तों, पूरा मौसम अभी बदल ही बदल है पूरा। तो हम लोगों को दोस्तों मछली पहले मिल चुका था, ये मुझे सुबह ही मछली मिला था, एकदम बड़ा वाला मछली, लगभग 1 किलो से ज़्यादा होगा, 2 किलो के आसपास होगा। तो गैस इसको मिल गया था 2 मछली, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक रखा है, इसका थोड़ा छोटा वाला है, लेकिन दोनों मिला के 1 किलो होगा। और यहाँ पे एक मछली, ये थोड़ा रेड कलर का जैसा है। तो अभी फिर से उतारेंगे हम लोग अपना हुक्स या फिर बोची से। तो अभी हम लोग दूसरा टाइप से फिशिंग कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे हुक से पकड़ रहे हैं, लेकिन ये मैदा, तो मैदा जो पाउडर है उसको बना के, जैसे कि हम लोग चाय केपे में पूरी वगैरह कहते हैं वैसे बना के, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो हुक्स में लगा देते हैं। तो अभी पहले तो हम लोगों ने पकड़ा था आडवाम से, अभी आडवाम का सीज़न चला गया है, अभी डिफरेंट जो मछली, अलग अलग मछलियाँ नहीं फंसेंगे, तो एक ही टाइप का मछली फंसेंगे, ऐसे हली गुनी पीस ही फंसेंगे सिर्फ। तो गैस आजकल जो मेरा बहुत दिक्कत दे रहा है, क्योंकि पूरा गांव में प्रॉब्लम हो चुका है। एक्चुअली मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बोला था, जो हमारा गांव का ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो गया है, टार्स वगैरह बचा के वीडियोज़ बनाता हूँ। जो यहाँ से थोड़ा बहुत दूर एक गांव होता है दिबलीबाग, उस गाँव में जाके वो मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं हम लोग। तो लगभग 20 से 30 दिनों तक ये शायद प्रॉब्लम थी कि जो हो जाएगा, तो किसी ना किसी तरीके से तो मैं तो ब्लॉग अपलोड दूंगा, वीडियो किसी ना किसी तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बम्बू लगा के, तो रस्सी, छोटा रस्सी, यहाँ पे हम लोग जो हुक से अपना यहाँ पे फेंक के रखे हुए थे। तो एक्चुअली दोस्तों हम लोग एक ही नाव पे 3 लोग है, ये अलग है और मैं अलग हूँ और ये अलग है, मतलब इसको जो मछलियाँ मिलेंगे वो अलग करके रखेगा और मेरा जो मछली मैं अलग करके रखूँगा। तो अभी फिर से देख रहे हैं अपना जो हुक से हम लोग फिर से उठा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग जो मैदा है तो हुक्स में लगा देते हैं, छोटा छोटा गोल गोल बना के। तो देखिए दोस्तों, इससे लगा देते हैं। तो मछलियाँ लोग यही मैदा खाने के लिए आ जाते हैं। तो अभी भी फिर से और क्लीन होगा पानी, उसके बाद और मिलेगा मछलियाँ ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, ये भी फिशिंग करने वाला होता है, वहाँ पर भी 2 नाव है फिशिंग करने वाला, और नीचे वहाँ पर भी है। कुछ दिनों के बाद और लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो गैस अभी मैं उतर रहा था मेरा वाला हुक्स या फिर बच्ची चुरा, तो यहीं पे देखिए, तो इन लोगों को मछलियाँ नहीं मिला, तो मुझे एक मछली मिल गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो पीस नेट से बनाया गया है, तो इसी नेट से जो ऐसे कबाब करके मछलियों को उतारना होता है, नहीं तो ये जो मछली है ना बाघ, हाँ देखिए ये रहा हुक्स, तो हुक्स से हो गया तो वहाँ गिर गया, तो इसीलिए। तो कल भी मुझे 2 मछलियाँ नहीं मिला था, बड़ा मछली, तो क्या ही कर सकते, कोई कोई मछली लोग भाग जाते हैं। तो अभी फिर से उतरता हूँ मैं। तो गैस गांव से मैं ज़्यादा दूर में फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे है, तो इस साइड में मेरा घर है और यहाँ पे गांव वगैरह। तो जो मेरा जो खाना है, मैं घर पे सुबह, मतलब घर से आता हूँ मैं, और मैं खाना वगैरह यहीं पे नाव पे ही खा लेता हूँ। तो आज आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं नाव पर ही खाना खाता हूँ। तो लेके आ रहा है ममता और खाना मेरे लिए, तो क्योंकि जब भी डूब देता है ना 11-12 बजे, उस टाइम थोड़ा बहुत मछली मिलता है, इसीलिए तो मछलियाँ लोग खींचता है उस टाइम, उतना पड़ता है और ज़्यादा टाइम रहेगा तो मछली लग चला जाता है। पहले हम लोग उस साइड में मछली वगैरह पकड़ रहे थे, अभी पकड़ रहे हैं इस साइड में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भाई लोग है पूरा फिशिंग कर रहा है और मेरे लिए खाना लेके आ रहा है, तो एक बाल्टी में रख के लेके आ रहा है, यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ। हाँ, यहीं पर मछली, कल में मछली पकड़ना दोस्तों, यहाँ पर मछली वगैरह होंगे और यहाँ पर पानी बोतल। ये मछली मिला बोल के मुझे खुश हो रहा है। देखो हम लोग जाएंगे अभी फिर से मछलियाँ चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर त्रिशा, उसके मम्मी भी आ चुका है, बोल रहा है देखेंगे हम भी। तो यहाँ पे
यहाँ से लेकर वहाँ तक आप लोगों को अभी दिखाऊंगा मैं। तो ये पहले वाला सुरह होता है जो ये हमारा गांव है, तो पहला ये बच्ची सुरह या फिर हुक्स है, और यहाँ पे एक है और रस्सी छोटा छोटा देख सकते हो आप लोग, और वहाँ भी फिशिंग कर रहे हैं वही लोग, और यहाँ भी फिशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से लगा पूरा वहाँ तक जो पूरे यहाँ पे हुक्स लगा के रखा है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बुलाता कुछ दो तीन ब्लॉक में पहले, हुक्स को हम लोग बुच्ची सुरा बोलते हैं, या फिर हुक्स को बुच्ची बोला जाता है, रस्सी में बांधने के बाद बुच्ची सुरा बोला जाता है। और यहाँ पे आपको बिम्बो दिख रहा है ना दोस्तों, तो मतलब जो मछलियाँ लोग खींचता है तो ये मूविंग होता है, तो हम लोग को पता चलता है हम मछलियाँ पास गए, फिर देखते हैं हम लोग, नहीं तो अगर नहीं खींचेंगे फिर भी देखना ही पड़ता है। तो लगभग मान लो आधा घंटे के बाद एक बार चेकिंग करना। हाँ, उन लोगों को भी मिल चुका है दोस्तों अभी एक मछली है, तो बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को। जितना भी हुक्स मतलब एक एक हुक गिनती किया जाएगा तो दोस्तों लगभग होगा 3 से 4 हज़ार हुक्स यहाँ पे, और बहुत भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बुच्ची छुरा या फिर एक जो रस्सी होता है एक रस्सी में, तो यहाँ से बांध कर वहाँ तक लेके जाता है। तो एक बुच्ची छुरा में तो लगभग यही लमसम मान लो 130-150 हुक्स रहता है बुच्ची, तो बुच्ची या फिर हुक्स है, सकमा में बुच्ची, इंग्लिश में हुक्स। और तो यहाँ से लगा पूरा वहाँ तक लंबा करके यहाँ पे रन करके लगा दिया ना, तो मान लो 5000 के आसपास होंगे यहाँ पे हुक्स वगैरह। तो सभी लोग जो है मैदा पूरा दिन, कोई कोई लोग यहाँ पे खाना खाता है, मैं भी यहाँ पे खाना खाता हूँ, तो तेजा उनकी मम्मी होता है 9 या 10 बजे जो खाना वगैरह लेके आता है। तो गैस कुछ दिनों के पहले जो मछली पकड़ा था मैं इसके साथ पकड़ा था, तो देखिए इन लोगों को एक मछली मिल गया है, खाली गुनी पीस, पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मछली। पहले और एक मिल गया था, और एक था मछली, हाँ दो दो हो गया इन लोग का भी। हाँ मेरे जैसा एक मिर्गिया मिल गया है, मिर्गिया मछली। तो इन लोग भी सभी मैदा से मछलियाँ पकड़ रहे, तो हुक्स को है ऐसे देखा जाता है, तो ऐसे चेकिंग वगैरह करते हैं हम लोग। तो हर नाव पे एक मछली आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इन लोग आज मालामाल होने वाला है, तो और एक मछली मिल गया बोल रहे, तो देखिए जो उठाते हैं उनको। हाँ मछलियाँ, हाँ ऐसे कवर करना होता है मछलियों को, नहीं तो भाग जाते ये, लेकिन छोटा मछली है फिर भी सही है। तो मैं जिस टाइम उठाता हूँ उस टाइम वीडियोस बना नहीं पाता, क्योंकि मछलियाँ लोग भाग जाता है ना, एक हाथ से पकड़ो, और उस वहाँ भी वो ड्राइवर भी बोल सकते हैं, तो नाव को केयर करके रखना होता है, नहीं तो मछलियाँ लोग नाव के नीचे आ जाएंगे तो भाग जाएंगे। इसलिए तो मैं मछलियाँ पकड़ूंगा, उसके बाद ही दिखाऊंगा मछलियाँ को। कि मैं हम लोग वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रहे थे ना, तो और एक मछली मिल गया उन लोगों को, तो और एक मिल गया दोस्तों, तो बाद में दिखाऊंगा। वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारा मछलियाँ बांध के रखा है, तो हम लोग को सिर्फ 4 मेरे को 2 उसको 2 मिल गया। तो पूरा दिन पकड़ने के बाद इन लोगों को एक ही बार उतरा, अभी एक ही बार में 4 मछली मिल गया बोल, रस्सी लगा के उस साइड में भी इस साइड में भी रखा है, लेकिन मछलियाँ लोग उतना बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा आधा किलो लगभग 250 ग्राम ऐसा ही। तो गैस मुझे और एक मछली मिल गया है, तो यहाँ पे एक दो पहले दो था मेरा, तो इसका उधर एक, यहाँ पर एक और एक अभी अभी जो मिला है ना दोस्तों, वो यहीं पर रखा है, देखो पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है मछलियाँ। और इन लोगों को देखिए, वहाँ पर भी एक मछली उतार रहा है अभी, यहाँ से जो बुच्ची चुरा है नीचे पास झुका है, फिर वहाँ से देख देख के आ रहा है, एक मछली खींचा है, और ये लोग भी अभी एक मछलियाँ उतारेंगे। मछलियाँ उतारते टाइम कौन वीडियो बनाएगा, क्योंकि जितना भी बनाओ दूसरे लोगों को बनाने के लिए उतना तो नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा लोग उतारते हैं ना, उस टाइम भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगा। तो दोस्तों धीरे धीरे जो बारिश फिर से दे रहा है, क्योंकि आजकल दुर्गा पूजा चल रहा है यहाँ पर, तो और ज़्यादा बारिश देगा तो मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पाऊँगा, और मछलियाँ भी पकड़ नहीं पाऊँगा, ज़्यादा बारिश देगा तो घर जाएंगे हम लोग। अभी मेरा खाना वहाँ पर रखा हुआ है, अभी भी खाना नहीं खाया। तो गैस देखिए मछलियाँ बहुत खींचता है नीचे से, ये जो मछली है ना दोस्तों हालिगुनी पीस, उसका जो पावर है उसको ख़त्म कर देना है पहले। मछली उतारने में थोड़ा बहुत संभाल के उतरना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप संभाल के उतार नहीं पाओगे तो मछलियाँ चले जाएगा। तो देखिए हाँ देखिए दोस्तों, मछलियाँ अंदर से पूरा उसका पावर है, जोर जोर से निकाल रहा है। हाँ देखिए कैसे खींचता है, ये पास गया, 2 किलो 2 किलो, हाँ 2 किलो होगा दोस्तों, बड़ा मछली है। तो आज बारिश के साथ साथ दोस्तों बहुत मछलियाँ मिल रहा है, 2 किलो होगा मछली, कितना बड़ा मछली दोस्तों देखो, 2 किलो से
थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, और ज़्यादा हो सकता है 2 किलो से, लेकिन 2 किलो से कम नहीं होगा। इन लोगों को फिर से एक मछली अभी उतारेगा, देखिए कैसे उतारते हैं। तो बारिश दे रहा है दोस्तों, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हाँ उठा दिया, 1 किलो होगा दोस्तों, ज़्यादा भरा नहीं, फिर भी सही है दोस्तों, क्योंकि 1 किलो मिलने से भी 1 किलो का 350 या फिर 400 ऐसे भी हम लोग सेलिंग करते हैं किलो। अभी बांध के नाव में टांग के रखेंगे। तो हमारा भी यहाँ पे 3-4-5 भरा हुआ है, नाव पे टांग के बांध के रखा है। तो बारिश दे रहा है तो बहुत ही दिक्कत आ रहा है मुझे वीडियोस वगैरह बनाने की, अभी गिरने वाला था मोबाइल। तो गैस अभी हो रखा है 12 o'clock टाइम, तो अभी भी बारिश दे रहा है, पूरा दिन बारिश देगा लगता है। और यहाँ पे एक नया मछली आ चुका है, तो मैं मछली उतारते टाइम तो वीडियोस वगैरह बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद उतरता हूँ, पर ये उतरता है क्योंकि जो अगर मैं मछलियाँ उतारूँगा ना तो इस साइड से, तो यहाँ से कैरी करना पड़ेगा नाव को। इसलिए अगर अच्छा से आपको फिशिंग के बारे में मतलब फिशिंग करते टाइम वीडियोस बनाना है तो आपको 3 आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं खुद ही उतरता हूँ मछलियाँ, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और अभी ये मिल गया, 3 हो चुका है इसका मेरा मिला के, तो टोटल हो गया 6 मछली। A few minutes later. तो गैस अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे जो चाय का कैफे है, वही पे मैं खाना वगैरह खाऊंगा, क्योंकि घर जाने के लिए मेरा घर एकदम टॉप में है, वहाँ पर खाना खाने के लिए भी जो जहाँ पे भी मछली पकड़ता है नाव पे खाना खाने के लिए भी बहुत दिक्कतें आ रहा है, क्योंकि अभी देखो बारिश हो रहा है और मच्छर वगैरह बहुत है, इसलिए मैं दुकान पे जाऊँगा वहीं पे खाना वगैरह खाऊँगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी खाना है। तो अभी जाता हूँ उधर खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा चेकिंग करने वो मछलियाँ। तो अभी आ चुका हूँ दोस्तों मैं दुकान पे, तो कल मैं उस वाले दुकान पे खाया था, तो आज इस वाले दुकान पे खाऊँगा। तो मेरा सामान यहाँ पे रख दिया है, और अभी यहाँ पे नमक वगैरह है, तो यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिक्स करके ला के लिया होगा। हाँ ये मछली था, और ये है क्या, ये पपाया है, ये एक साग यहाँ का सब्जी। तो अभी फटाफट से दोस्तों खा लेता हूँ खाना, उसके बाद जाता हूँ फिर से मछली वगैरह चेकिंग करने के लिए। सो गैस अभी यहाँ पे जो मेरा जो मछली मिल गया था ना मुझे, तो अभी यहाँ पे सेलिंग करूँगा मैं। तो अभी खाना वाना खा के जो मछली है वो भी सेलिंग किया है, अभी फिर से जा रहा है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी पिका हुआ है वो, तो मेरा हुक से अभी चेकिंग चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी धीरे धीरे जो बारिश है थोड़ा रुक गया है बारिश, और शाम को ज़्यादा बारिश देगा तो मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा मैं। एक्चुअली कुछ देर बाद मैं यहाँ पर मीटिंग वगैरह भी अटेंड करने वाला हूँ, तो अभी जाता हूँ बस मछलियाँ जो देख चेकिंग करता हूँ। तो गैस इस बार में जो बची चुका है या फिर हुक से मैं सेकिंग वगैरह किया है, तो यहाँ पे देखिए एक मिल गया है, मिल गई जो सुबह मिला था ना दोस्तों, ऐसे वाला एक मछली, बाकी सब मछली वगैरह सेलिंग किया है। और ऐसा वाला एक मछली था वो ऐसे मतलब यहाँ से मैंने खोल दिया रस्सी, तो रस्सी के साथ वो मछली गया, तो फिर से उसके बदले में और एक मिल गया। तो कोई बात नहीं, कोई कोई बार ऐसा ही होता है। तो इन लोगों का मछली कहाँ रखा है, हाँ उड़ा में रखा है, इन लोगों को बहुत मछली मिल चुका है दोस्तों, लगभग 4 किलो के आसपास होंगे, तो मेरा भी 4 किलो जैसा हो गया था। तो मिलेगा आज मुझे, मैं भी मलामाल हो चुका हूँ, ये लोग भी मलामाल हो चुके हैं आज ये घर ही बांध के रह गया, एक ही मछली 2 मिला था इसको, 2 से 1 खा लिया, और अभी 1 ही बचा है, तो आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा वो। तो गैस यहाँ पे अभी मछलियाँ वगैरह लोग सेलिंग कर रहे हैं, बहुत रात मछली वगैरह मिल चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से अपना जो अपना काम बाकी है, तो अभी बर्सी वगैरह हुक्स वगैरह चेकिंग वगैरह करेंगे हम लोग अभी, तो जाते हैं हम लोग चेकिंग करते हैं। तो भाई लोग वहाँ पे मछली वगैरह सेलिंग कर रहा है, मिल चुका है दोस्तों एक मछली, लेकिन मेरा नहीं, ये इसका है मछली, तो एक मिल चुका है फिर से, अभी मेरा वाला फिर से, और कुछ देर बाद चेकिंग वगैरह करेंगे, फिलहाल इन लोगों का अभी चेकिंग करते हैं। 1 hour later. सो दोस्तों अभी टाइम हो रखा है लगभग 5 o'clock, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना अपना घर पे। तो यहाँ पर जो भी जो जितना भी फिशिंग करने वाला रहता है हुक से फिशिंग करने वाला, सभी लोग अपना अपना घर में जा चुका है, और मैं भी जा रहा हूँ अभी। तो आज पूरा दिन बारिश ही बारिश है, लेकिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं, धीमी सा बारिश। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, मैं आप लोगों को बुलाता, मैं 1 मिनट तक आप लोगों को फिशिंग का ब्लॉग देते ही रहूँगा, तो आप लोग बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो अभी जाता हूँ मैं घर में, तो एक मछलियाँ बचा हुआ है वो मैं खाऊँगा छोटा सा, तो बाकी सब मछलियाँ मैं सेलिंग किया 4 किलो लगभग, आज मेरा आमदनी बहुत हो चुका है, तो मेरा रोजगार इसी से चलता है कभी कभार। तो बाय बाय।
See you in the next videos.